रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण के नाम पर चल रहा बड़ा घोटाला। जिला मार्शल आर्ट एकेडमी बालोद के ताइक्वांडो कोच वासुदेव निखिल एकेडमी अध्यक्ष सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा के लिए छात्राओं को दो दिन का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया। रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण बालोद जिले के इन 5 माध्यमिक विद्यालयों खरथुली, नागरी, बिजोरा, बड़गांव एवं भरदा में दिया जाना था। हर स्कूलों में प्रशिक्षणकर्ताओं को 5 दिवस प्रशिक्षण के लिए हर दिन हिसाब से 5,000 रुपए की राशि देना अनिवार्य था, किंतु प्रशिक्षणकर्ताओं को 2 दिन का प्रशिक्षण देकर यूट्यूब से सीख लेने की बात कहकर बच्चों के प्रशिक्षण देने को कहा गया। इस बात का प्रशिक्षणकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया, फिर भी उन्हें स्कूल से भेजा गया और उनसे पूरा कार्य कराकर जब वेतन की बारी आई तो एकेडमी ने उन्हें 5,000 की जगह 3,000 रुपए दिए और कहा कि एकेडमी के कार्य के लिए काटा गया है। प्रशिक्षणकर्ताओं ने खूब विरोध जताते हुए सीधे इसकी जानकारी लिखित शिकायत के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को दी। इस शिकायत को लेकर एसपी ने विश्वास जताया और कहा उचित कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। वंदे मातरम, मैं मनीषा राणा शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडी लोहारा की विद्यार्थी रही हूँ और साथ ही साथ में हम लोग एनएसएस के स्टूडेंट हैं। एनएसएस के स्टूडेंट के तरफ से हम लोगों को हमारे एक सीनियर भैया है, उनके द्वारा हम लोगों को पता चला कि एक एकेडमी है जो कि अभी प्रशिक्षण दे रही है जैसे कि मार्शल आर्ट वगैरह का। उसके बाद में जो हम लोगों को प्रशिक्षक के द्वारा किसी स्कूल में भेजा जाएगा प्रशिक्षण देने के लिए मार्शल आर्ट का, तो हम लोगों ने भी उस एकेडमी से संपर्क किया। 1-2 मीटिंग्स हुए हम लोगों के और बारवाई आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण उसी के तत्वाधान में ये भी सम्मिलित है ऐसा हम लोगों को बताया गया था। प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों को एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें हम सभी का नाम था। फिर उसके बाद स्कूल द्वारा हम लोगों को कॉल आए कि आप जो है हमारे स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में यहाँ आइए और हमारे बच्चों को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दीजिए। ऐसा करके हम लोगों ने सभी ने मिलकर के डिस्कस किया तो जो हमारे सीनियर भैया थे उन्होंने हमको बताया कि आप लोगों को जिस स्कूल में भेजा जाएगा आप उस स्कूल में जाकर के अपना प्रशिक्षण देंगे 1 महीने का। उस 1 महीने में जो छुट्टियां आती हैं वो भी सम्मिलित रहेंगे, जबकि स्कूल द्वारा बताया जाता था कि आपको 1 महीने का जो कोर्स है वो बच्चों को करवाना है, लेकिन हमें कहा जाता था कि आप लोगों का जो 1 महीने का प्रशिक्षण है वो आप लोग को देना है। टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करिएगा, 1-1.5 घंटे का रहेगा, उसमें से 15-20 मिनट भी आप सिखा सकते हैं बच्चों को, और जो आप लोग का पेमेंट है वो स्कूल के द्वारा आपको नहीं बल्कि एकेडमी को दिया जाएगा। और हम लोग ने अपना प्रशिक्षण जो है 1 महीने का कंप्लीट किया। उसके बाद जब हम लोगों की पेमेंट की बारी आई तब वो पेमेंट हमारे खाते में ना आकर के एकेडमी के खाते में आता था और एकेडमी हम लोगों का जो पेमेंट है वो 5,000 में से 3,000 हमको काट कर देता था और 2,000। बालोद से ब्यूरो चीफ दीपक देवांगन के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट, पर देखते रहिए सी डिविजन टीवी।